अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज मैंने ना सेटअप पे आने के बाद ना दूसरे टाइम सेटअप पे आने के बाद सबसे पहला काम ये किया है कि अपने जितने भी लॉफ्ट वाले पिजन्स हैं और अंदर वाले पिजन्स हैं इन सबको मैंने ना बाहर खोल दिया है। और आज मुझे लग रहा है कि हमारा जो ये बच्चे वाला पिजन है ना इसको मैंने ना अंदर से उठा के ना इधर ही रख दिया कि क्या पता इसके जो मदर फादर है वो इसको ना यहाँ पे भी फीड करवा ही देंगे। अंदर करवाते हैं बाहर भी करवा देते हैं तो केज के अंदर क्या है इनको। तो आज जो है ना हम इनको भी जो है इसी लॉफ्ट के अंदर रख देंगे। बाकी जो हमने एक पेयर लगाया था वो भी मेरे ख्याल से अभी तक ना कोई नहीं लगा। इन दोनों का था मेरे ख्याल से, हाँ ये था और वो था, बल्कि यार ये साथ ही हैं शायद लग गया हो। आज का दिन दोबारा से हम इनको ना अंदर ही रखेंगे और कल इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे कि इनका पेयर लगा है कि नहीं लगा। बाकी यार इनको थोड़ी देर ना घूमने फिरने देते हैं। और इनका अब ये फ़ायदा ये हुआ है कि लॉफ्ट के अंदर सुबह के वक्त मैंने इनको ना दाना भी डाल दिया था अंदर ही और पानी भी डाल दिया था। और अंदर ये मसला होता था कि छोटे छोटे केजेस थे और इन बकेट्स के अंदर ना इनको अलग अलग डब्बियों में पानी लगाना पड़ता था, अलग अलग डब्बियों में दाना लगाना पड़ता था बच्चों वाले पिजन्स को। तो अब ये जो है ना सारा मसला ख़त्म हो गया सिर्फ और सिर्फ इस लॉफ्ट की वजह से। बाकी यार अंदर के मनाजिर भी मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। और दुम भी काफ़ी बड़ी हो गई है हमारी माशाल्लाह से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको यार गरम फीड जो है ना मैं ना ज़्यादा नहीं डाल रहा, जो ग्रोथ वाली फीड होती है ना चूज़ों की वो काफ़ी गर्म होती है। और अब तो वो मैं ना सोच रहा हूँ कि छोड़ ही दूँ क्योंकि अब गर्मियाँ काफ़ी आ गई हैं। तो ये ना हो कि उस फीड की वजह से हमारी ये दुम को मसला हो, तो इस वजह से अब जो है ना हम दोबारा इसको ना नहीं डालेंगे। बाकी यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे हम अपने परिंदों के अंडे बच्चे नहीं चेक कर रहे थे, और वाइट डब के भी आज करेंगे हम। और कुकटेल यार, कुकटेल्स को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। हालांकि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक ये पानी वाला बर्तन है, दूसरा वो है, तीसरा ये है, ये नहाने के लिए रखा हुआ है, बाकी दो मैंने ना पानी के लिए रखे हुए हैं। तो आज से मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के मैं बर्तन रखूँ और मिट्टी के रखूँ। बाकी इसके अंडे हम ना चेक कर लेते हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, माशाल्लाह एक ही अंडा है इसके नीचे। चलो भाई इसको इनक्यूबेट करो तुम। बाकी उतनी देर दोस्तों हम जो है ना अपनी फिंचेस के अंडे चेक कर लेते हैं और अपने बजीज के अंडे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये वाइट वाली बजी ने अंडा दिया है, इसका अंडे या तो इसमें थे या तो इसमें थे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से हमारी वाइट वाली, ये वाली वाइट वाली बजी के भी अंडे पूरे हैं। और यहाँ पर जो हमारी येलो वाली बजी है इसके भी छः के छः अंडे माशाल्लाह से ना पूरे हैं। बाकी अब जो है हमने अपनी फिंचेस के भी अंडे चेक करने हैं। वाइट वाली फिंचेस के जितनी भी हमारी बंगलाइज वगैरह फिंचेस वो ना इस जगह पर अंडे देती हैं, तो हो सकता है हमें यहाँ पर बच्चे भी मिल सकते हैं यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिंचेस हैं जो कि हमें ना बाहर नहीं नज़र आती। एक ये बैठी है, दूसरी ये बैठी है, तीसरी ये बैठी है, और उसी तरह यहाँ चौथी सारी घूमी हुई हैं। तो जल्दी से अंदर चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों जहाँ पर फिंचेस अंडे देती हैं वहाँ पर मुझे फिंचेस का कोई भी अंडा नहीं मिला, कोई भी बच्चा नहीं मिला, यानी कि हमारी ना किसी भी फिंच ने अभी तक ब्रीडिंग करना स्टार्ट नहीं की। बाकी मुझे लग रहा है इन्होंने भी अब दाना पानी अपना जो है ना कर लिया है। और ये भी गिर गया था नीचे। अच्छा यार अब मैं भला क्या कह रहा हूँ, इसके थोड़े दिन ही हैं, थोड़े दिनों के बाद माशाल्लाह से ये बड़ा हो जाएगा। इसको अभी हम अंदर ही रहने देते हैं और जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको बाहर निकालेंगे। और एक और बच्चा बड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला, इसके साथ पैर लगा देंगे इसका। इसका पैर ये ड्राई दिया मुझे ये क्या तुमने? इन दोनों का जो है ना आपस में, इसको दरवाजे को रोकने के लिए ना मैंने ये तरह सा जुगाड़ किया हुआ था। हाँ बस छोड़ दो छोड़ दो, चलो आ जाओ यार, चलें जी। इसको अब हम जो है ना जल्दी से अंदर रख देते हैं। कोई रखा ही नहीं इसका नाम अभी तक मैंने नहीं रखा। चॉकलेट इसका बाप है तो कैरीमल इसके बेटे का नाम रखते। चलो ठीक है, इसका नाम दोस्तों हम ना कैरीमल रख देते हैं। बाकी अभी पिजन्स को जो है ना अंदर करना स्टार्ट। इन दोनों का मैंने आपस में ना पेयर लगाया था और अब ये आपस में साथ है, यानी इनका मतलब इसका इनका पेयर जो है लग गया। लेकिन फिर भी आज के दिन इनको मैं ना अंदर ही रहने देता हूँ, कल जो है फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है ना। ये तो है, सारे पिजन्स को ना अंदर कर दिया, काफ़ी जो है ना खिचड़ी डाल गई थी कि किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है। जब एक साथ सारे बाहर आ जाएंगे ना सबके पेयर्स लग जाएंगे, सारे जो है ना एक साथ हो जाएंगे, फिर हम सबको इसी जगह पर रखा करेंगे। और अभी यार थोड़ा सा मसला है इस वजह से अंदर बाहर करना पड़ रहा है।
कूलर का ऑर्डर नहीं देने जाना था तुमने? कूलर को तुम कूलर भी बनवाना है यार, हम ना वहाँ से लगा दिया करेंगे, इनको भी हल्की फुल्की हवा आ जाया करेगी, और हमारे सारे जो परिंदे हैं ना मास्टर केज की हवा बन रही, प्यारी चल रही है, जो हमारे सारे परिंदे होंगे उनको भी जो है ना कूलर की ठंडी ठंडी हवा जो है ना आ जाया करेगी। बाकी डक्स को उस टाइम मैंने ना सही तरीके से खोला नहीं था, तो अभी हम क्या करते हैं जल्दी से हम अपनी ना डक्स को बाहर खोल देते हैं। आ जाओ भाई, चलो 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 भाई। रात को ये हुआ है, तुमने बता दिया? नहीं, रात को ना यार हमारी बिल्ली ने यार चूहा पकड़ लिया। लो भाई, चूहा जब पकड़ा है, चूहा भी भाई इतना बड़ा, इतना बड़ा चूहा उसने मुंह में पकड़ के नीचे भागने लगी। वो मैंने फिर जल्दी से गया हूं, मैं इसके सारे से उसको मैंने पकड़ा है और जल्दी से चूहे की दूम से पकड़ के मैंने चूहे को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर निकाल लिया, अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। और फिर उसको वहां से साथ ही जो है ना हम डॉक्टर के पास भी ले गए थे। बस यार अब जो है ना बोलना नहीं जा रहा, गर्मी काफी ज्यादा है। और एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पिजन है ना, ये देखो बैठना भी स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह से, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी ये सारे बॉक्सेस भरे हो, सब में दो 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 पिजन बैठे हो, कितने प्यारे लगेंगे। मॉस्किटो नेट लगनी है भाई, बहुत कुछ होना, स्टिक लगनी है अंदर, उसके बाद क्या कहते हैं पेंट होना है इसके ऊपर। वाह माशाल्लाह, यहाँ से कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे पिजन है ना। वाह यार, यहाँ से भी लगेगी नेट इनके, यहाँ से यार, यहाँ से रहने दो, इतना नहीं होता। अच्छा हाँ, मैं तो कर दिया यहाँ से भी अंदर वाली साइड से ना नेट लगे, तो वो इस तरह सीधे, फिर वो यार ये सारा केज उतारना पड़ेगा, उसके बाद बाहर वाली साइड पे नेट लगेगी। ये तो है हाँ। फिर यार वो ये कीड़ियों को क्या करें यार, कीड़ियाँ भी इनके केज में काफी ज्यादा है, छोटी 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 छोटी, उसका कोई हल ढूंढो, क्योंकि यार वो मैं देखा था बच्चों के ऊपर चढ़, बच्चे के ऊपर चढ़ गई थी तो उसे पता ही नहीं था बेचारे को। इतना ऐसा मसला नहीं है, इतना ऐसा मसला नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अभी हम ये करते हैं कि भाई कह रहे हैं कूलर का कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कूलर का कर लेते हैं, उसके बाद और यार रैबिट ना एक एक करके बेचारे एक्सपायर होते जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को मैं बताऊं, हमें ना आइंदा के बाद अब ना छोटे रैबिट्स नहीं लेने, छोटे रैबिट्स पल जाते हैं, लेकिन जब सख्त गर्मी आ जाती है फिर वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, जब सख्त सर्दी आ जाती है। यार मुझे लगता है दुकानदार ने भी ना कुछ मात्रा क्या खिलाई है, उसने फ्रॉड किया, मैंने वैक्सीनेशन इसको की हुई है, कोई भी नहीं थी की हुई, मुझे लग रहा है। कोई बहुत प्यारी चली है यार माशाल्लाह। अभी यार जल्दी जल्दी से कोई कूलर का इंतजाम कर लेते हैं, सब परिंदे जो है ना हमारे काफी परेशान बैठे हैं। चलो भैया आ जाओ, कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है जिसने हमारा मास्टर केज देखना होता है ना, उसके सामने ही हमें बहुत जलील करवाता है, हाथ पे नहीं बैठता। पकड़ो हाँ जरा, हम मेरे पे, मेरे हाथ पे भी बैठ जाता है, तुम्हारे हाथ पे भी बैठ जाता है, लेकिन जब कोई बाहर से बंदा आता है ये उसके हाथ में नहीं बैठता। मैं बिठा के उसे इधर देखना जरा, अनजान नहीं समझना, सबके हाथ पे बैठना है, सिवाय चोर के, ये ना हो कि चोर है तुम उसके हाथ पे बैठ जाओ चले जाओ, ठीक है ऐसे नहीं करना। वाला चोर जो ऊपर छत पे चढ़ा था वो नहीं यार। चलो यार इसको ना जल्दी से अंदर रख दो। दोस्तों मैं आप लोगों को जुगनू को भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह जुगनू कितना बड़ा हो गया, ये भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, करता रहे यार ये भी। बाकी रैबिट्स हमारे, दुआ करें कि ये हमारे पास ना सिर्फ तीन रैबिट्स रह गए, एक फुल ब्लैक है, एक वाइट है, और ब्लैक और वाइट है, तो ये तीनों जो है ना जल्दी से बड़े हो जाएं, और अब इनमें से कोई एक्सपायर ना हो यार। और आज जल्दी से हम ना रैबिट्स को नहला देते हैं। रैबिट्स को? हाँ वो कैसे, तो मैं नहीं पता कैसे नहलाते हैं, जिस तरह कैट को नहलाते हैं, बस ये करना है कि साबुन लगाना, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं अपने रैबिट्स को नहलाया करूं या ना नहलाया करूं, तो आप लोगों में से भाई ने काफ़ी भाइयों ने कहा था कि आप नहला दिया करें, लेकिन कैट की तरह ना साबुन ना लगाया करें। चलो भाई अंदर चले जाओ, लेकिन अगर बाल वगैरह गंदे हों तो लगा भी सकते हैं साबुन। दोस्तों कुछ इस तरीके से भाई ने जो है ना रैबिट्स को हमारे नहला दिया है, इसको भी नहला दिया है और इसको भी नहला दिया है, तो ये वाला जो है ना ज़्यादा थोड़ा गंदा है, मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना थोड़ा थोड़ा साफ भी था, ठीक था। गर्मी है, डेली नहलाना पड़ना है। अच्छा देखो कितने खुश हो गए हैं, है ना। ये तो है वैसे, वो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा गंदा है वो वाला दिन ना, हम ना जो ज़्यादा गंदा होगा ना उसको साबुन भी लगा के नहलाएंगे। साबुन भी, साबुन
मैं तो कह रहा हूँ यार वो शैम्पू मिलता है, साफ हो गया देखो, वो पेट्स का शैम्पू होता है कोई, हाँ। वो बंदा लगा के उसको नहला, कैट्स का होता है, डॉग्स का होता है, इनका नहीं होता, इनका अपने साबुन से भी लगा के नहला सकते हैं। ये जो है ना अपना अंदर काम कर रहे थे, कोई चीज देने गए हैं और दरवाजा भी देख सकते हैं आप लोग बंद है। बाकी बाहर जो है ना इस वक्त मौसम काफी प्यारा हो गया, धूप तो निकली है लेकिन हवा जो है ना माशाल्लाह काफी प्यारी चल रही है और तेज चल रही है, और जब भी मैं यहाँ पर देखता हूँ ना बहुत प्यारी फीलिंग आती है यार। हमारे पिजन्स जिस तरह बैठे होते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला इनकी नेस्टिंग भी ले आते हैं आज हम, और कूलर का तो हमने पता करना ही है, साथ कूलर का भी पता कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्तों हमने जो है ना अपने सेटअप का सारा सामान कंप्लीट करना है, उसके बाद कूलर के बाद दोस्तों हमने जो है ना ऊपर एक ग्रीन कलर का जो है ना कपड़ा लगाना है, तरपाल उसको कहते हैं हम लोग, आपकी जुबान में जो मर्जी कह सकते हैं आप लोग, बाकी वो भी हमने लगानी है ऊपर। तो उससे होगा ये कि नीचे के जितना भी एरिया है ना इधर हमारे परिंदों को ना धूप बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और अंदर देखें यार अंदर के हमारे जितने भी केजेस हैं रिपेयर होने वाले हो गए हैं, मुर्गियां बाहर आ जाती हैं यार, क्या है यार जलील करके रख दिए इन्होंने, मिनट के बाद बाहर आ जाती हैं ये देखें। अभी तक दोस्तों भाई भी नहीं आए, और इंशाल्लाह ताला हम कूलर का भी जो है ना पता करवा लेंगे थोड़ी देर तक। तो दोस्तों यही था आज का हमारा व्लॉग, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।